क्या हाल चाल आप सबके, टेक तक में आपका स्वागत। ये हमारा एक और बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, बिकॉज आज हम बातचीत कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता के साथ। ये हमारे आज तक के स्पोर्ट्स तक की सबसे बड़ी आवाज़ है, स्पोर्ट्स एंकर है, पूरा देश जानता है इनको, एंड वी गोइंग टू टॉक टू हिम टुडे अबाउट टेक। मुझे सर थोड़ा बताओ, आपका उठना बैठना हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहता है, हमारी इंडियन क्रिकेटर्स में से सबसे ज़्यादा टेक सेवी कौन? मुझे लगता है ये जो प्रेजेंट लॉट है ना, हाँ, ये तो बहुत अच्छे हैं। इनके पास तो ऐसी ऐसी गैजेट्स होंगे विच वी कांट इवन थिंक अबाउट। बट इससे अब मुझे भी नहीं पता, मैं इतना इन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, बट इससे थोड़ा पीछे जाएं, हाँ, इस धोनी की जो जनरेशन, हाँ, थी, एक्स बॉक्स और प्ले स्टेशन इन्होंने स्टार्ट किए और ये सब अपने अपने लेके जाते थे। सो मच सो कि शाम को धोनी के रूम में मैंने सुना है कि पांच छह प्लेयर ऐसे बैठ के दे वुड प्ले गेम्स, दे स्टिल डू। अभी भी आई थिंक इस टीम में बताते हैं कि चेतेश्वर पुजारा बड़ी अच्छी सॉकर गेम्स जो है वो खेलते हैं, बट ये लोग, इनका देखिए टाइम पास भी है, मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं तो चलो फिर दे कैन स्टिल रोम अबाउट, आप बाहर जाके कॉफी पी लें। इंडिया में अगर मैच है, हमारा प्लेयर कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, दे कांट इवन गो डाउन फॉर डिनर, इंडिया में मुश्किल है। तो ये लोग अपने कंपेनियंस, ये गैजेट्स को ही रखते थे, कोई स्पीकर फोन्स बड़े अच्छे रखता है, आपको पता ही है, दे आर लोडेड विद मनी, आईपीएल हैज मेड देम रिच, आईपीएल हैज मेड देम अवेयर आल्सो। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हमारे क्रिकेटर्स अब वो नहीं है यार जो 70s 80s में होता था कि टूर पे गए हैं वो खाना खिलाने को ले जाए। अच्छा नहीं, अब ऐसा नहीं, अब आप होटल में ही हो, और ये जनरेशन डिफरेंट है, मिलियनेयर्स, इनफैक्ट दे आर बिलियनेयर्स इन द मेकिंग, यू नेवर नो, इनमें से बिलियनेयर्स भी बनेंगे, तो उस लिहाज से आई थिंक इनका दिल भी बड़ा है। तो शायद धोनी के नम्र स्वभाव के पीछे प्ले स्टेशन का भी काफ़ी एक बड़ा हाथ हो। बट सर ऑल्सो टेल मी, जो उससे भी पहले की जनरेशन है, सौरभ गांगुली है, सचिन तेंदुलकर हैं, हमारे हरभजन हैं, तो इनमें से कोई ऐसे जो टेक से बिल्कुल इलिटरेट हो और कहते हैं भाई हमें इनसे दूर रखो? मुझे याद नहीं है। कपिल पाजी के पास बहुत देर तक, हाँ जी, मेरे ख्याल कपिल देव, हाँ, दो साल पहले तक, हाँ जी, उनके पास या 2-3 साल पहले तक नोकिया का ही फोन होता था, हालांकि कपिल पाजी वॉज वेरी सैवी, अच्छा, हाँ, बट वो फोन नहीं, मैं फोन मतलब, नहीं बदलना, मैं हैरान होता था कपिल पाजी को देख के कि पाजी, एंड पाजी इज अ जेनरस मैन, पाजी इज अ जेनरस मैन, और पाजी के पास फोन जो है नोकिया ही होता था 2-3 साल पहले तक। बाकी आई थिंक विद टाइम्स एवरीबॉडीज चेंज्ड, अब दादा भी जो है वो आईफोन पे ही है, अच्छा दादा के पास और मेरे पास तकरीबन एक टाइम पे एक जैसा फोन होता था, और एक वक्त था जब क्रिकेटर्स, देखिए एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक्सेस, मतलब एसएमएसएस के थ्रू तब होती थी, और दादा जब कप्तान थे तो हम एसएमएसएस एक्सचेंज करते थे, और नोकिया का टाइम था, फिर ब्लैकबेरी आया, अच्छा पहला मेरा जो ब्लैकबेरी था उनके पास भी उस वक्त वही ब्लैकबेरी था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन सा टूर था, ब्लैकबेरी लवर थे, जी जी, उसके बाद दादा ने मुझे बताया, मैंने कहा दादा मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा फोन है, उन्होंने समझा, अरे यार ये तो बहुत आसान है रे, उन्होंने मुझे ऐसे 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 करके बताया, और एक्चुअली मुझे ब्लैकबेरी पहली बार कैसे यूज करना है उन्होंने ही बताया, सौरभ गांगुली ने जी। अच्छा एक और चीज है, हाँ जी, जैसे सचिन है, हाँ जी, या जो प्रेजेंट कई क्रिकेटर्स हैं, दे नॉट ऑन व्हाट्सएप, आप देखेंगे नहीं ना, ये लोग व्हाट्सएप, दुनिया है व्हाट्सएप, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, देखो सचिन का नंबर बच्चे के पास होगा, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, हाँ जी हाँ जी। अच्छा ऐसे व्हाट्सएप हम और आप ही तंग हो जाते हैं, हाँ ये तो है, तो उनको पता चला कि मतलब, तो वो क्या करते हैं, अभी भी कई ऐसे एप्पल यूजर्स हैं जो आईफोन रखते हैं प्लेयर्स, और वो बीबीएम पे रहते हैं, ब्लैकबेरी मैसेंजर अभी जी, तक जी, मतलब वो आई थिंक डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड हो जाता है, तो वो रखते हैं, सो दैट मैं ही आपको एक्सेस दे सकता हूं, बाकी एसएमएस तो कोई भी भेज सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट एसएमएसेस आप देखते नहीं होंगे शायद, सो दे नो जो लोग उनके क्लोज हैं या जो उनके अपने हैं वो ब्लैकबेरी मैसेंजर पे उनको मैसेजेस भेजते हैं, तो क्रिकेटर्स हमारे सारे ब्लैकबेरी मैसेंजर पे बात करते हैं एक दूसरे से, ज्यादातर हैं, बट ये बात और कोई नहीं बता सकता था आपको, ये सिर्फ, अच्छा जैसे जैसे आप पुराने होते जाओ तो वो व्हाट्सएप पे भी दिखते रहते हैं, अब जैसे हरभजन सिंह है, हाँ जी, भजू को शौक डिफरेंट है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के कम वो बोल के भेजते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं, टाइप नहीं करना, वॉइस मैसेज नहीं, वो टाइप भी करते हैं, बट वो वॉइस नोट्स बड़े अच्छे अच्छे भेजते हैं, उनको बोलने का भी शौक है ना, तो मेरे साथ वो पंजाबी में भेजते हैं, तो बड़ा मजा आता है उनके वो वॉइस नोट सुन के, और फिर मैं भी पंजाबी में बोल के जवाब दे देता हूँ उनको, तो मजा बड़ा आता है यार। बट ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, मतलब देखिए वक्त कैसे बदला है, शिवम की एक जमाने में आई थिंक एक लैंडलाइन फोन होना प्रेस्टीज इशू है, वो बुकिंग होती है जी, किसी उसके पास शहर में उसके पास लैंडलाइन फोन है, अब मेरे पास तो खैर एक ही फोन है, आप हमारे ऑफिस में सर्वे करा लीजिए, ज्यादातर लोगों के पास दो नंबर्स होंगे, दो दो फोन होंगे, मैं तो उनको कहता हूँ, मैं कह यार मेरे से एक नहीं संभाला जाता,
यू नो यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ दिस, यू बिकम अ स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो कभी कभी. अच्छा ये फैक्ट है क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है, कभी कभी शिवम जब आप फ़ोन ख़राब हो गया या आप ऐसे एरिया में जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, मुझे डर लगता है कि यार जैसे ही मैं फ़ोन ऑन करूँगा पता नहीं कौन सी न्यूज़ ब्रेक हो चुकी होगी और ऑफिस के मुझे कितने फ़ोन आ चुके होंगे. अच्छा जब जब ऐसा होता है कि उनको पता है मतलब ऑफिशियली मेरा फ़ोन बंद है या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तब मुझे डर नहीं होता. बट ये है यार, ये रात को भी आप साइलेंट नहीं कर पाते. मैं तो साइलेंट नहीं करता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ. पर जैसे मैंने कहा बीच बीच में आजकल मेरी नींद खुलती है तो मैं फटाफट वाईडी टूल्स पे देखता हूँ सब्सक्राइबर्स जो है वो अपने स्पोर्ट्स तक पर कितने बड़े. ये आप भी टेक तक के लिए जरूर करते होंगे. हम लोग बिल्कुल करते होंगे, वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दैट. हम लोग सारे ये काम करते ही करते. मुझे सर बताओ, और इसके बाद मुझे बताया सर अभी ब्लैकबेरी से नेक्स्ट आईफोन पे आ गए, आईफोन के बाद अब क्या एंड्रॉइड इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फॉर यू, या अब आप आईफोन आईओएस पे यूज कर? मुझे डिफरेंस नहीं पता. डोंट यू, इज इट जस्ट द सॉफ्टवेयर या फिर वो फोन्स का है? क्योंकि माय एल्डर सन वो एंड्रॉइड बोलता रहता है तो मुझे समझ नहीं आता कि वो. अच्छा बताते हैं कि उसमें एंड्रॉइड में शायद एप्स बच्चों को ज्यादा अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो. तो मुझे तो ये भी नहीं पता चला आज तक कि प्लेस्टेशन 3 और प्लेस्टेशन 4 में फर्क क्या है. वो प्लेस्टेशन 3 के बाद कहते हैं 4 चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि यार इतना महंगा क्यों. तो द रीजंस दैट दे कम अप विद, मुझे वो समझ नहीं आती. उसमें भी गेम चलनी है, उसमें भी गेम चलनी है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. एंड्रॉइड और आईओएस की जो जंग है वो घरों तक छिड़ चुकी है. बट डेफिनेटली आई थिंक आपके आने वाले टाइम में जो है आई थिंक आईओएस इज व्हाट यू आर यूजिंग. अभी सर कौन सा आप फोन यूज कर रहे हैं? मेरा आईफोन ये 7 है, 7 प्लस है. 7 प्लस है और 7 प्लस भी शिवम एब्सोल्युटली फाइन यार. मैं क्या बताऊं, मैं एक बात कहूंगा. हां जी यार, एप्पल इसीलिए दुनिया की इतनी वैल्यूड कंपनी नहीं है. मेरा पहला जो जैसे आईफोन मैं आपको बता रहा था मैंने लिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई. मैं वर्ल्ड कप गया था 2015 ऑस्ट्रेलिया, और मैं वापस आया तो जो उसका वो था किसी स्विच में प्रॉब्लम आ गई. और मैं बड़ा डरा यार, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. ऑल ऑफ अ सडन मैं सर्विस सेंटर गया, उन्होंने कहा कि व्हेन डिड यू परचेज दिस? मैंने कहा मेरे पास तो बिल ही नहीं है. कहे डोंट वरी, मैंने बताया तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा विल चेंज योर फोन. 5 मिनट में उन्होंने मुझे नया फोन दे दिया. क्यों? उन्होंने कहा हम रिपेयर नहीं करेंगे, विल चेंज इट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं. प्लस मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल 2 महीने पहले से. और प्लस में बुढ़ापे में आईसाइट भी थोड़ी वीक हो जाती है ना, तो अक्षर थोड़ा बड़ा दिखता है. अक्षर थोड़ा बड़ा दिखता है. मुझे पहले लगता था यार मैं इसको कैसे पकड़ूंगा, हाथ में कैसे रखूंगा, बट ये मुझे और कोई फोन नहीं. प्लस 7 प्लस ठीक है. बैटरी को लेके मैं थोड़ा सा वरिड रहता हूँ, बस दैट इज माई. तो सर स्पोर्ट्स की जितनी भी हमें न्यूज़ चाहिए होती है, जो भी देश है हमारे क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं या क्रिकेट हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता है कि विक्रांत सर का हमने या तो ट्विटर फीड फॉलो करना है या तो हमने यूट्यूब आपका इंस्टाग्राम भी है मेरा. इंस्टाग्राम भी हम अब मैं उस पर डालता रहता हूँ अपनी वो अपने आप को खुश रखने वाली पिक्चर्स. अच्छा एक बात और है मैं शेयर करना चाहूँगा शिवम, ये मेरी फीलिंग है. हाँ जी, फोटोएं बहुत अच्छी आती हैं आज. फोटोएं कई बार मैं अपनी फोटो देख के मैं देखता हूँ यार मैं इतना अच्छा तो नहीं दिखता हूँ यार, मैं इतना पतला तो नहीं दिखता हूँ. वो ये शायद फोन के कैमरा में ही कुछ कमाल ऐसा है कि तस्वीरें बड़ी अच्छी आ जाती हैं. फोन के कैमरास का तो जवाब ही नहीं है जिस तरीके के फोन के कैमरास बढ़ते चले जा रहे हैं. लाइफ कैसे बदली है, आप वेकेशन पे जाते हैं विदाउट अ कैमरा. हाँ, अब सेल्फीज हैं, हर चीज है. एंड नहीं, ये कैमरा एक्ट कर देता है. एक कैमरा फोन ही है आपका. हाँ, इसी में आप फोटो ले लो. सर आप अपने टेक कंसर्न्स के लिए कहाँ जाते हो, कुछ भी आपने जानना हो? लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब टेक तक. अच्छा टेक तक की मज़ेदार बात यह है कि आपको सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाती हैं. ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बट वो जो नोटिफिकेशन की घंटी है बेल, उसको बजा दीजिए. जैसे ही ये लोग लाइव होंगे आपको खबर आ जाएगी. यही तो फायदा है टेक तक का.